बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी कि पाथ अलॉन्ग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने आपकी अगर आपको नेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसको हमने लिखा था इलेक्ट्रिक lines of forces। ये हमने क्या पढ़ा था कि path along which a unit positive charge move in an electric field, path along which a unit positive charge move in an electric। उसके बाद मैंने आपको उसका क्या बताया था जी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर तौर पर अगर कभी आपने देखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपको किस फॉर्म में नजर आएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस की फॉर्म में नजर आएगा। फिर मैंने आपको बताया था मैप है दैट गिव्स इंफॉर्मेशन about strength and direction of electric field। कैसे electric field क्या था, path along which unit positive charge move in electric field, यानी वो path जिसमें आपका unit charge electric field के अंदर move करे, उस path को क्या कहेंगे electric field। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बेसिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड सुनते रहते हैं, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी विजुअली जाहिर तौर पर देखना पड़ जाए तो किस तरह का होगा, वो आपके पास वो फील्ड लाइन की फॉर्म में होगा। लेकिन इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जाहिर नुमाइश है वो किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फॉर्म में, वो लाइन की फॉर्म में आपको नजर आएगा। दूसरा ये नक्शा है जो कि हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक मैप है, नक्शा है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसमें हमने कुछ इसके पास्टुलेट फर्क पड़े थे, फील्ड लाइंस जनरेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। कहां से स्टार्ट होती है, जनरेट होंगी हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहां पे होंगी, नेगेटिव चार्ज, ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव की डायरेक्शन। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट टू दी फील्ड, डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, टेंजेंट टू दी फील्ड। टेंजेंट लाइन मैंने आपको बताई थी ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, और जिस पॉइंट पर टच करे उस पॉइंट का रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तीसरी चीज जी, लाइंस आर क्लोजर where field is strong, line closer hoga jahan pe field strong hoga, and farther apart where field is weak, jahan pe field aapka kya hoga, weak hoga wahan pe electric field line dur ho jayegi, jahan pe field, aur ye kahan pe field aapka field stronger hoga, jitna aap charge ke kareeb honge utna aapka field stronger hoga, aur field lines kareeb kareeb honge, जितना आप चार्ज से दूर जाएंगे फील्ड उतना कमजोर होगा और लाइन एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। उसके बाद इसका एक और जो था वो नेवर क्रॉस ईच अदर, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, दो लाइन उसको क्रॉस नहीं कर सकती। उसकी वजह ये थी, इसलिए क्रॉस नहीं कर सकती कि मैंने आपको बताया था कि उसकी सबसे मेन वजह ये है कि आपके पास अगर क्रॉस करें तो एक पॉइंट के ऊपर दो वैल्यूज आ, दो डायरेक्शन आ जाएंगी, बिकॉज ही हैज वन डायरेक्शन एट वन पॉइंट एट वन पॉइंट। उसके बाद आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
proportional to magnitude of electric field. अच्छा ये मैंने आपको थोड़ा सा, हालांकि ये हमारा लास्ट लेक्चर भी इससे पिछला लेक्चर था, लेकिन मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए, अब हमने फ्लक्स पढ़ लिया, फ्लक्स डायरेक्टली रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स एक ग्रीक वर्ड है, फ्लक्स इज ग्रीक वर्ड मीन्स, इसका मतलब क्या, टू फ्लो, इस चीज का फ्लो करना, मीन्स टू फ्लो, किसी चीज का फ्लो करना। अब यहां पे किसी चीज का मतलब क्या है, नंबर फील्ड लाइंस, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो किसमें, कोई भी एक ऐसा एरिया जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। यानी इसका मतलब आप किसी की सरफेस का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा कि उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही। क्या मैंने आपको बताया कि किसी भी एरिया का अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सब क्या चीज है कि आपने क्या निकालना है कि उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया। हाँ, अब इसमें एक और चीज है, साथ ही एक खास बात है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर, प्लेस्ड परपेंडिकुलरली या नॉर्मल, नॉर्मल टू फील्ड लाइंस, दैट इज, इसका क्या मतलब है, एट राइट एंगल। यानी इसका मतलब है कि जिस सरफेस का आपने फ्लक्स निकालना है उस सरफेस को आप कोशिश ज्यादा बेहतर है कि आप उसे क्या रखें, आप फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखें। तो जब कोई सरफेस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ी हो तो उस सरफेस में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस के टोटल तादाद निकालना, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालना, वो क्या कहलाता है, उस सरफेस का फ्लक्स निकालना कहलाता है। यानी कोई भी सरफेस है उसमें से आप टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो गुजर रही है वो आप मेजर करें, या आप क्या आप उस सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं, और उसके लिए बेहतर क्या है, वो सरफेस आपकी क्या होनी चाहिए, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री एंगल, एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये तो एक चीज होगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ सरफेस इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ, इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। आप किस तरह को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस, कितनी टोटल फील्ड लाइंस पास हो रही है उस एरिया का फ्लक्स कराएगा, और वो एरिया उस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा होना चाहिए 90 डिग्री के एंगल पर, ना होने राइट एंगल पर पड़ा होना चाहिए। उसके बाद आल्सो डिफाइंड है, कहता है कि ये सवाल भी डिफाइन हो सकता है, वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। इसका मतलब क्या होगा, डिनोटेड बाय फाइ, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाइ, फ्लक्स किससे होगा, फाइ से, डॉट प्रोडक्ट ई और डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट के लिए हमेशा कौन सी क्वांटिटी रखते हैं, स्केलर, डॉट प्रोडक्ट का पड़ा था वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड
result is a scalar quantity. The product is, if the product is scalar quantity, then the product is called dot product. प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, हासिल दर, यानी अगर दो या दो से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उनका जो पूरा जवाब आएगा उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये देखते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं और रिजल्ट क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी, यानी प्रोडक्ट इन दोनों का हासिल दर क्या आया, स्केलर क्वांटिटी या लिहाजा इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज। इसका मतलब फाई इज इन फाई यानी फ्लक्स इज इन स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या है इसकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक होगी जी बात। अब जहां पे सवाल ये पैदा होता है कि E की तो समझ आती है वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये तो ठीक हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि एरिया किस तरह वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं आपको बता दूं। E इज ए वेक्टर क्वांटिटी, E इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। ये क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से की तरफ नेगेटिव, तो समझ आ गई बात, दैट्स फाइनल हो गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी। अब पीछे तो सवाल पे अगर ए का एरिया का, ए इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ए इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया बी वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज, इसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, किससे मिलेगी, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल में दो चीजें होती हैं, एक काला फिंगर एक थंब, राइट हैंड रूल में दो चीजें होती हैं, तो आप जब भी पढ़ा काला फिंगर थंब, इसका मतलब यह है काला फिंगर किसको शो करेगा, बाउंड्री ऑफ एरिया, प्लेन ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया को, और थंब किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया को। फिर इसका मतलब है काला फिंगर शोज दी प्लेन या बाउंड्री ऑफ एरिया, कर्ल ऑफ एरिया उंगलियों को जो मोड़ना है करता है वो किसको शो करेगा, थंब ऑफ या प्लेन ऑफ एरिया या बाउंड्री ऑफ एरिया, एंड थंब शोज डायरेक्शन ऑफ एरिया। क्लियर। अब यहां पे जरा आप गौर करें तो कर्ला फिंगर और थंब दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो थंब है वो कर्ला फिंगर के परपेंडिकुलर, एज थंब इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ एरिया, बाउंड्री ऑफ एरिया, थंब जो है वो परपेंडिकुलर के स्किप प्लेन ऑफ एरिया के यार, इसका मतलब ये है थंब किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को, प्लेन ऑफ एरिया किससे शो हो रहा है, कर्ल से। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन है थंब शो डायरेक्शन ऑफ एरिया, एज थंब इज परपेंडिकुलर टू दी, एज थंब इज परपेंडिकुलर टू दी कर्ला फिंगर। आप देखो थंब किसके परपेंडिकुलर है, कर्ला फिंगर, ये देखो कर्ला फिंगर के परपेंडिकुलर,
इसका मतलब यार कर्ल किसको शो कर रहा है, प्लेन को, थंब किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। अगर थंब कर्ल के परपेंडिकुलर है तो थंब डायरेक्शन को शो कर रहा है, कर्ल प्लेन को या बाउंड्री को शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर थंब कर्ल के परपेंडिकुलर है तो फिर डायरेक्शन प्लेन ऑफ एरिया या बाउंड्री ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होगी। सो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू Always perpendicular to the plane or boundary of area. बात समझ आई जी? देखो direction of area किससे ली जाती है, right hand rule से। Right hand rule पे दो चीजें, curl of finger, thumb. Thumb direction को show कर रहा है, curl of finger plane of area या boundary of area। Thumb perpendicular है curl के, thumb किसको show कर रहा है, direction को, curl किसको show कर रहा है, plane को। अगर थंब कर्ल के परपेंडिकुलर है तो फिर डायरेक्शन ऑफ एरिया प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर। अब यहां से एक बात और, व्हेन प्लेन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस देन डायरेक्शन विल बी पैरेलल टू फील्ड लाइन। फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा उस वक्त डायरेक्शन ऑफ एरिया फील्ड लाइंस के पैरेलल होगी, और जब प्लेन ऑफ एरिया फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा तो डायरेक्शन ऑफ एरिया फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। यानी आप ये समझ लें, आप जो गौर करें, ये आपके पास प्लेन ऑफ एरिया, ये आपकी फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइन इसमें से पास होगी, और डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या होगी, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ एरिया हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब आप ये गौर करें, ये फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ एरिया जो है ऑलरेडी प्लेन के परपेंडिकुलर है। फिर समझाना, प्लेन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, प्लेन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया। मैंने क्या बताया कि डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। एरिया की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? कि डायरेक्शन को शो करता है थंब, प्लेन को शो करता है कर्ल, थंब और कर्ल आपस में परपेंडिकुलर है, लिहाजा डायरेक्शन और प्लेन भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये देखिए, डायरेक्शन और प्लेन भी आपस में परपेंडिकुलर है। अब ये देखो, बात समझ आ गई, प्लेन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। क्यों? राइट हैंड रूल के मुताबिक, थंब यानी डायरेक्शन, कर्ल यानी प्लेन, दोनों परपेंडिकुलर, लिहाजा डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। अब ये देख लें, अब ये फील्ड लाइंस है, जब फील्ड लाइंस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन के पैरेलल होंगी। ये नजर आ रहा है, ये देखें, फील्ड लाइंस प्लेन के, प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर, ये देख लें परपेंडिकुलर ली जा रही, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एरिया के पैरेलल है। और अगर फील्ड लाइंस, ये अगर मैं प्लेन को यू रखूं, अगर फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ एरिया के पैरेलल हो तो देख लो डायरेक्शन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर। फिर बता रहा हूं, प्लेन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर?
अगर फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होंगी, ये देख लें, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया के पैरेलल है। अगर फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ एरिया के पैरेलल होंगी तो डायरेक्शन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? क्यों? कि जारी बात है, डायरेक्शन ऑफ एरिया प्लेन ऑफ एरिया ऑलरेडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब यहां तक क्लियर? अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको सही तरीके से समझ लेने की बात, एज फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट जब पढ़ता है तो क्या आ जाता है आपका ई ए कॉस ऑफ थीटा, पढ़ा फर्स्ट ईयर में आपने। थीटा क्या चीज है? थीटा इज एंगल। अब मैंने आपको क्या बताया, एरिया की दो चीजें आप यहां पर ले रहे हैं, प्लेन ऑफ एरिया और डायरेक्शन ऑफ एरिया, प्लेन ऑफ एरिया और डायरेक्शन ऑफ एरिया ले रहे हैं। अब यहां पर सवाल क्या पड़ता है, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई एंड डायरेक्शन ऑफ ए नॉट प्लेन ऑफ ए, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन चाहिए, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डायरेक्शन ऑफ ए नॉट प्लेन ऑफ ए, ये बात याद रखनी है। थीटा आपने हमेशा किसके दरमियान लेना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान और डायरेक्शन ऑफ एरिया के दरमियान। एरिया की दो चीजें हैं, एक आपका प्लेन ऑफ एरिया, एक आपकी डायरेक्शन ऑफ एरिया, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, पहली हेडिंग है आपके पास, जब प्लेन आपका फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, जब प्लेन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, ये देखिए ये प्लेन है, पैरेलल फिगर किसको शो करेगा, ये देख लेंगे कर्ल ऑफ फिंगर, थंब आपका आउटवर्ड आ रहा है, ये देखिए आउटवर्ड कर्ल ऑफ फिंगर, थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड, ये तो थंब किधर है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का मतलब क्या है, थंब इस सरफेस पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, इसका मतलब है एरिया परपेंडिकुलर। अब फील्ड लाइंस आप लें, ये देखिए ये फील्ड लाइंस है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका प्लेन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा उस वक्त, ये देखिए जब फील्ड लाइंस, ये मैंने आपको बताया, जब फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होंगी, जब फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होंगी तो उस वक्त फील्ड लाइंस डायरेक्शन ऑफ एरिया के क्या होंगी, पैरेलल। जब फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होंगी तो उस वक्त फील्ड लाइंस डायरेक्शन ऑफ एरिया के क्या होंगी, पैरेलल। और हमने एंगल किसके दरमियान लेना है, ई और डायरेक्शन ऑफ एरिया के दरमियान, तो इसका मतलब यहां पर आपके पास थीटा क्या आ गया, जीरो। बात समझ आ गई, एज प्लेन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस बट डायरेक्शन ऑफ एरिया इज पैरेलल टू फील्ड लाइंस। सो एंगल हमने किसके दरमियान लेना है, एंगल बिटवीन ई एंड डायरेक्शन ऑफ एरियाज, थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ए और फील्ड लाइन आपस में पैरेलल है, थीटा क्या हो गया, जीरो। सो फाइव ई, इसको फाइव ई से डिनोट करना है, फाइव ई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन, कॉस जीरो वन, वन मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब जब कॉस थीटा और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन याद रखना, साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, और मिनिमम वैल्यू माइनस वन, यानी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, और लेस देन और इक्वल टू वन। इसी तरह कॉस थीटा भी
तो जब साइन थीटा और कॉस थीटा किसी टर्म में आ जाए तो जब कॉस थीटा या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, उस वक्त वो जो आपके पास प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कॉस 0 1 होता है, 1 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, लिहाजा फिर आपका जो प्रोडक्ट है फाई उसकी वैल्यू भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो फाई ये आपके पास क्या आ गया, ये देखिए फिगर में भी आपको नजर आ रहा है, जब परपेंडिकुलर प्लेन पड़ा है डायरेक्शन पैरेलल फील्ड लाइंस के तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो फील्ड लाइंस का किसी भी एरिया में से गुजरना मेजर ऑफ टोटल फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया, उसका मतलब क्या है किसी भी एरिया में से फील्ड लाइन को गुजरना क्या कहलाता है फ्लक्स। तो इसका मतलब है जब मैक्सिमम फील्ड लाइन गुजर रही है मींस मैक्सिमम फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया, सो फ्लक्स इज मैक्सिमम। फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। अब जी व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू फील्ड लाइंस, जब प्लेन आपका पैरेलल होगा फील्ड लाइंस के फिर क्या होगा, वो ये चीज है फील्ड लाइंस आपका प्लेन पर वो चीज जो मैंने आपको बताई ये फील्ड लाइन से गुजर रही है। जब मैंने बताया प्लेन पैरेलल हो जाएगा फील्ड लाइंस के तो डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या हो जाएगी फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है आपके पास ये ई है, प्लेन पैरेलल पड़ा है, एरिया की जो डायरेक्शन है वो हमेशा प्लेन के इधर होती है, परपेंडिकुलर कितना एंगल आ गया दोनों के दरमियान 90 डिग्री, नो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा एज ई एंड डायरेक्शन ऑफ ए, फिर से बता दो थीटा जो एंगल है किसके दरमियान ई और डायरेक्शन ऑफ ए, एज ई एंड डायरेक्शन ऑफ ए आर परपेंडिकुलर, सो फाई किसके बराबर हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ 90, कॉस 90 क्या होता है 0, फ्लक्स क्या आ गया फ्लक्स इज 0, इसका मतलब क्या हुआ नो फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, नो फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू। अब ये देखो पहली बात ये फील्ड लाइन पड़ी, कोई फील्ड लाइन उसमें से नहीं गुजरी, देखो कुछ नीचे से गुजर गई कुछ ऊपर से गुजर गई, एरिया के अंदर से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरी, वो कब गुजरती है जब आप उसको परपेंडिकुलर गुजरेंगे, और जब कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पे परपेंडिकुलर और पैरेलल के अलावा भी कुछ हो सकता है, फील्ड लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया इज एट एनी एंगल, एट एनी एंगल क्या होगा ई ए कॉस ऑफ थीटा, यानी आपके पास कोई और एंगल भी हो सकता है, इस तरह ये देखें कुछ एंगल और भी हो सकता है, वो आप एंगल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसमें यहां पे एक चीज देखना है, इफ थीटा इज लेस देन 90 then cos theta is in first quadrant, cos theta किसमें होगा first quadrant, so cos theta is positive,
सो फ्लक्स इज पॉजिटिव, फ्लक्स क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा फ्लक्स इज पॉजिटिव, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज लेस देन नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन कॉस 90 क्या होता है जीरो, सो फ्लक्स सिग्निफाइंग इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लीविंग सरफेस। ठीक हो गया जी। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज नेगेटिव यानी फ्लक्स इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस। ठीक है, क्लियर जी। ये आपके पास आज का टॉपिक था क्लास, इंशाल्लाह बाकी कल देखेंगे, कल हम पढ़ेंगे गाज़ल्ला इंशाल्लाह ताला।